हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि रेड 5 क्या होता है और इसे विंडोज सर्वर 2012 में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। रेड 5, जिसको डिस्क स्ट्राइपिंग विद पैरिटी भी कहा जाता है, इसमें कम से कम 3 हार्ड डिस्क की जरूरत होती है। इसमें रीड राइट ऑपरेशन तो फास्ट होते ही है, लेकिन आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी मिलती है और एक डिस्क के फेलियर होने पे भी आपका जो डेटा का एक्सेस है वो अवेलेबल रहता है। तो ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए इस एनवायरनमेंट में, इस आप पिक्चर में देख रहे हैं, इमेज में, ये 4 हार्ड डिस्क हमने लगा रखी हैं और इसमें से जो पहले 3 हार्ड डिस्क हैं उसकी कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसको हम पैरिटी बोलते हैं, 4th हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी हार्ड डिस्क है, इसमें भी हमारी बाकी तीनों हार्ड डिस्क का, यानी कि हार्ड डिस्क 1, 3 और 4 का डेटा कुछ कैलकुलेटेड फॉर्म में, जिसको पैरिटी बोला जाता है, वो सेव हो जाता है। तो इसी तरीके से ये एक छोटा सा स्पेस यूज होता है जिसको पैरिटी बोलते हैं, और इसका जो फाइनल हमें आउटपुट मिलता है डिस्क यूज करने को मिलता है, कि जैसे कि हमने अगर 4 डिस्क लगा दी तो -1 1 यूज होती है उसमें डिस्क पैरिटी के लिए, और -1 1 डिस्क का स्पेस मिलता है। यानी कि 4 अगर डिस्क है और 4 में 100 GB की चारों के चारों हार्ड डिस्क है, तो हमें 400 × 100 यानी कि 400 - 1 डिस्क का स्पेस, यानी कि 100 GB उसमें से माइनस होकर 300 GB हमें स्पेस अवेलेबल होगा। ये हमें फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है, प्लस मेरे रीड राइट ऑपरेशंस को भी नेटवर्क में फास्ट कर देता है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने का मेथड हम देखते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर। देखिए, मैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर आ गया। यहाँ पे रेड 5 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी को ओपन करना है। इसके लिए मैं यहाँ से सर्वर मैनेजर को ओपन करता हूँ और यहाँ से टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही कंप्यूटर मैनेजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज में देखिए डिस्क मैनेजमेंट है, इस पे क्लिक करते हैं ताकि इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव्स को हम मैनेज कर सकें। इस सिस्टम के ऊपर 3 हार्ड डिस्क हैं, डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 2। रेड 5 क्रिएट करने के लिए यहां से मैं डिस्क 1 को राइट क्लिक करता हूं और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से न्यू रेड 5 वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं। एक विजर्ड स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट डिस्क में डिस्क 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जबकि डिस्क 0 और डिस्क 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहां से मैं पहले डिस्क 0 को सिलेक्ट करता हूं और एड बटन को क्लिक करता हूं। ऐसा करने पे भी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन अभी ग्रे आउट है। इसका कारण ये है कि 2 डिस्क से रेड 5 वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो सकता है। यहाँ पे अवेलेबल डिस्क में डिस्क 2 को सिलेक्ट करके एड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए 3 हार्ड डिस्क होते ही यहाँ पे नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो गया है, यानी के रेड 5 वॉल्यूम अब आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। आपको इस रेड 5 वॉल्यूम को ड्राइव लेटर असाइन करने के लिए कहा जा रहा है। आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी मनपसंद ड्राइव लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एफ को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसे फॉर्मेट करते हैं विद NTFS फाइल सिस्टम। अगर आप क्विक फॉर्मेट परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि रेड 5 सिर्फ डायनेमिक डिस्क के ऊपर सपोर्टेड है, जबकि इनमें से 2 डिस्क, डिस्क 1 और डिस्क 2 इस समय बेसिक डिस्क हैं, तो इन्हें डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करना होगा। इसके साथ साथ आपके पास एक वार्निंग भी है कि ऐसा करने से इन डिस्क के ऊपर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर इन डिस्क के ऊपर इस समय करंटली कोई बूट वॉल्यूम है तो वो अपना काम ठीक से करता रहेगा। इस सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और इन डिस्क 1 और डिस्क 2 पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ से यस पे क्लिक करता हूँ। अगर आप इसके बारे में श्योर ना हो तो पहले आप बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क के बारे में और अधिक जानकारी लें और उसके बाद ही ये प्रोसेस कंटिन्यू करें। मैं यहाँ से यस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए रेड 5 वॉल्यूम क्रिएट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो देखिए क्रिएट होने के बाद ये फॉर्मेट हुए और फॉर्मेट होने के बाद देखिए यहाँ पे सिंकिंग लिखा आ रहा है। देखिए रीसिंकिंग हो रही है और इससे कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिए इस सिस्टम की परफॉर्मेंस कुछ स्लो रहेगी और एक बार ये सिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपका सिस्टम नॉर्मल वर्क करने लगेगा। क्वेश्चन टाइम,
चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि रेड 5 में हम मिनिमम कितनी हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं ए 5 हार्ड डिस्क, बी 3 हार्ड डिस्क या फिर सी 2 हार्ड डिस्क। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने रेड 5 के बारे में जाना और इसे विंडोज सर्वर 2012 में कॉन्फ़िगर करना भी सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।